गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज़ शरू त्रिहान। आप सभी को दिवाली 2020 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाने वाली हूँ दिवाली के दिन कैसा रहा मेरा। होप आप सबका भी अच्छा है रहा। सबसे पहले ऑयलिंग जो मैंने करी अपने सर में मॉर्निंग में, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है ऑलिव ऑयल, रेड अनियन ऑयल, ये कोकोनट ऑयल डाल रही हूँ मैं, एंड इसके अलावा कैस्टर ऑयल भी डाला है। इसके बाद डबल बॉयलर सिस्टम का यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। कैटल में गर्म पानी रख दिया है, काफ़ी ज़्यादा बॉयल्ड वाटर जो है वो डालना है हमें। ये आप एक बाउल में जो है वो डाल सकते हैं, और उसके ऊपर जो रखा जाए दूसरा बाउल वैसा ले सकते हैं, इसलिए मैंने ये वाला बाउल लिया है। ये इसके ऊपर अच्छे से सेट हो जाता है। तक क्या है ना, अगर हम नॉर्मली इसको गैस पर रख देंगे तो उसके मेन इंग्रेडिएंट निकल जाते हैं। यहाँ पर फेस के लिए यहाँ पर मैंने बेसन लिया है, उसमें मैंने रेड सैंडलवुड पाउडर डाला है एंड वाइल्ड टर्मरिक पाउडर डाला है। एंड ये दोनों लूम्स एंड वीव्स के ब्रांड के हैं, आप भी चाहे तो अमेजोन से परचेज़ कर सकते हैं, मैंने भी वहीं से लिया है। एंड इसके अलावा दही डाला है, दही मैंने उतना डाला है कि उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो सके फेस पैक की। आप ये फेस पैक जरूर ट्राई करना गाइस, ऐसे फेस्टिव्स के लिए खासकर बहुत बढ़िया, एकदम से आपके फेस पर अच्छी सी इंस्टेंट ग्लो देता है ये। तो अपने फेस के लिए और हेयर्स के लिए जो मैंने मॉर्निंग में करा वो मैंने आपको दिखा दिया है। ये सिंपल सी चीज़ जो मैंने है वो करी थी, सो दैट जो ज़्यादा कुछ ऐसी मेहनत नहीं करी थी इसके अलावा। गाइज यहाँ पर मैंने ऑयलिंग कर ली है, अब हम बनाने वाले हैं काढ़ा। ओके, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइज। काढ़ा बनाने के लिए गाइज वाटर लिया है, उसके अंदर मैं यहाँ पे ग्रीन टी की लीव्स डाली हैं, बहुत सही रहता है इससे। एंड यहाँ पर मैंने तुलसी लीव्स डाली हैं गर्म पानी में धो के अच्छे से। यहाँ पर अदरक डाला है और जो हल्दी आता है ना जो सब्जी वालों के पास से मिलता है सूखा वाला वो डाला है। यहाँ पर मोटी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग एंड और भी अगर आपके गिलोई वगैरह अवेलेबल है तो आप वो भी डाल सकते हैं। सारे अच्छे से कूट के डाले सो दैट उसका एसेंस, उसका फ्लेवर, उसके जो भी अच्छे जो हमें मिलना चाहिए वो अच्छे से आए। यहाँ पे मैं देसी खांड यूज़ कर रही हूँ, या आप इसकी जगह गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। चीनी मैं नहीं यूज़ करती हूँ गाइस, वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। यहाँ पर मैंने दिए जो हैं वो भी धो के सुखा के अच्छे से प्रिपेयर कर लिए रात के लिए, मॉर्निंग में ही सब कुछ कर लिया ये ताकि रात को ज़्यादा होचपोच ना हो। इस मैंने अपना जो सूट है, जो ड्रेस है वो पहन ली है, एंड सिंपल सा ही सूट है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, तो मेकअप जो है वो भी सिंपल रहने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले एलोवेरा बेस लगाने के बाद मैं प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। प्राइमर जो है वो कलर बार का प्राइमर है, एंड प्राइमर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जो सो दैट एक शील्ड प्रोवाइड हो जाती है आपके फेस पर। एंड डायरेक्टली मेकअप के प्रोडक्ट्स जो है अप्लाई नहीं करने चाहिए। उसके बाद एलिगर्ल का प्रो कंसीलर जो है HD हाई डेफिनेशन में, वो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। एंड सब फाउंडेशन से पहले इस बार मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर स्विच करना ठीक लगता है मुझे। तो जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कंसीलिंग के लिए वहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, मोस्टली यही प्लेसेस होते हैं। एंड उसके बाद मैं फाउंडेशन जो है वो यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, वो भी कलर बार का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ गाइस मैं, एक्वाफील प्रो फाउंडेशन जो है कलर बार का। एंड उसको उसके पास स्पॉन्ज से डैब डैब करके पूरा सो दैट वो स्प्रेड हो जाए यूनिफॉर्मली। एंड उसके बाद जो है मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट में से लाइट शेड उठाया उसमें से। एंड उसके बाद हमेशा लाइट शेड से ही उठाएं गाइज, उसके बाद डार्क पे जाएं, सीधा डार्क शेड कभी ना अप्लाई करें, वो नहीं तो ख़राब हो जाता है। बिल्कुल लाइट रखने वाली हूँ, बिल्कुल लगेगा भी नहीं ऐसा मतलब मेकअप लाइट रखने वाली हूँ, बिकॉज मैंने पहले बताया ड्रेस मेरा जो है बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, वो बिल्कुल लाइट मेकअप होने वाला है, बहुत ज़्यादा हाई उभरने वाला मेकअप नहीं है। अच्छे से आप जो भी आई शेडो यूज़ करेंगे उसको ब्रश से ज़रूर उसको करें। यहाँ पे मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ, मैक का काजल है मेरा, वो अप्लाई कर रही हूँ। एंड कलर बार का आईलाइनर है वो मैंने लगा लिया है। यहाँ पर मेकअप रेवोल्यूशन की ही पैलेट से मैंने ब्लश जो है वो लगा लिया है थोड़ा थोड़ा। एंड देन वॉल्यूमिनस लैश पैराडाइज जो लोरियल का है वो आई थिंक इस टाइम का काफ़ी फेवरेट है मेरा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। एंड वो यहाँ पर जो है मैं अप्लाई कर रही हूँ। आइस का हो गया है ऑलमोस्ट डन। एंड आईब्रोज़ के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ निक्स का प्रोफेशनल आईब्रो पेंसिल जो है क्रेयॉन सॉर्सल्स, वो वाला यूज़ कर रही हूँ। एंड ब्राउन शेड में ही हमेशा आप यूज़ करें, ब्लैक में बहुत ज़्यादा नेचुरल नहीं लगता एक्चुअली, इसलिए।
तो बहुत ज़्यादा लाइट ही रखे, बहुत ज़्यादा नहीं, नहीं तो वो बहुत अजीब सी लुक प्रोवाइड करते हैं। लिप शेड जो है यहाँ पर मैंने वेट एंड वाइल्ड की मेगा लास्ट लिक्विड कैट सूट वाली लिपस्टिक लगाई है। सिंपल सी बिंदी है, कॉम कर लिए हैं हेयर्स एंड हेयर आई एम रेडी। सो सिंपल सा ही है सब कुछ, और सुबह का जो सिंपल बाल ऑयल वगैरह करे थे वो सब भी मैंने आपको शो ही करा था। एंड ये है मेरा दिवाली लुक फाइनली गाइस। पर दुपट्टा जो है वो लेना है मुझे यहाँ पे, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम दुपट्टा लेना भूल गई थी। एंड ये है सिंपल से बैंगल्स मेरे, एंड एक वॉच और एक ब्रेसलेट, एंड बस दैट्स इट। ये है मेरी फाइनल लुक गाइस दिवाली की। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। बाय।